अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आई एम योर कंप्यूटर टीचर। टुडे वी विल डिस्कस सम हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। सो लेट्स ओपन पेज नंबर 21। कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट दैट मेक अप अ कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर क्या होते हैं? वो तमाम फिजिकल कंपोनेंट जो मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम को बनाते हैं। ठीक है, हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। अब वो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर क्लासिफाइड इनटू इनपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट, स्टोरेज डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी। हार्डवेयर कंपोनेंट वो आगे फिर फर्दर क्लासिफाइड हुए हैं किन किन कैटेगरीज में? इनपुट डिवाइसेस और सिस्टम यूनिट में, स्टोरेज डिवाइसेस जो कि डाटा को स्टोर करती हैं, इनपुट जो डाटा को इनपुट करने के लिए यूज़ होती हैं कंप्यूटर में डालने के लिए, सिस्टम यूनिट जो प्रोसेसिंग के सिस्टम में जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस जो हमारे रिजल्ट्स को डिस्प्ले करती हैं। इनपुट डिवाइसेस, ऑल द डिवाइसेस यूज्ड टू फीड डाटा इनटू कंप्यूटर आर नोन एज इनपुट डिवाइसेस। वो तमाम डिवाइसेस जो के डाटा को कंप्यूटर के अंदर डालने के लिए इस्तेमाल होती हैं वो क्या कहलाती हैं? इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस अलाउ अस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस हमें इस काबिल बनाती हैं कि हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकें। सम कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, बारकोड रीडर, डिजिटल कैमरा एंड टच स्क्रीन। इनपुट डिवाइसेस में कॉमनली यूज़ कौन कौन सी होती हैं? कीबोर्ड मेन जो डिवाइस होती है, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, बारकोड रीडर, डिजिटल कैमरा एंड टच स्क्रीन। अब सबसे पहली जो हमारी इनपुट डिवाइस है वो कौन सी है? कीबोर्ड। इट इज़ द मेन इनपुट डिवाइस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। इट अलाउ द कंप्यूटर यूजर टू इंटर लेटर, नंबर एंड स्पेशल सिंबल इनटू द कंप्यूटर। कीबोर्ड इज शोन एज फिगर। कीबोर्ड एक मेन डिवाइस है जो डाटा को कंप्यूटर के अंदर डालने के लिए इस्तेमाल होती है और इसके ऊपर स्पेशल टाइप के करेक्टर, नंबर, लेटर्स जो होते हैं रिप्रेजेंट किए गए होते हैं। ये इसलिए जो भी डाटा, जैसे हम कोई भी सेंटेंस लिखेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे, तो हमें वो कीबोर्ड के थ्रू ही लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? माउस। इट इज़ अ हैंड हेल्ड डिवाइस यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ कर्सर पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। ये एक हाथ में रखी जाने वाली एक डिवाइस है जो कि कर्सर की मूवमेंट को स्क्रीन पे कंट्रोल रखती है। इट हैज़ टू और थ्री बटन एट द फ्रंट दैट अलाउ द कंप्यूटर यूज़र टू मेक सिलेक्शन इन मेन्यू, ड्रॉ ग्राफिक्स और ओपन फाइल्स, फोल्डर एंड प्रोग्राम। माउस इज शोन एज फिगर 1.25। देखिए, ये एक हाथ में पकड़ी जाने वाली डिवाइस होती है और ये क्या करती है कि ये कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। इसके थ्रू इसके ऊपर दो या तीन बटन बने हुए होते हैं और ये किस लिए यूज़ की जाती है? सिलेक्शन के लिए। कोई भी मेन्यू ओपन करना है, कोई फाइल फोल्डर खोलना है, उसको ओपन करने के लिए ये यूज़ होती है और ग्राफिक्स को ड्रॉ करने के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट जो हमारी डिवाइस है वो है जॉयस्टिक। अ जॉयस्टिक इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस विद अ वर्टिकल लीवर माउंटेड ऑन अ बेस। द लीवर यूजुअली इंक्लूड बटन, कार, ट्रिगर्स व्हिच एक्टिवेट सर्टेन इवेंट्स व्हेन प्रेस्ड। जॉयस्टिक आर मेनली यूज्ड फॉर कंप्यूटर गेम्स। ये एक डिवाइस है जो कि कंप्यूटर के साथ अटैच की जाती है। इसके साथ एक लीवर लगा हुआ होता है, इसके ऊपर भी कुछ बटन होते हैं और ये डिवाइस कहाँ यूज़ होती है? गेम्स के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट जो हमारी डिवाइस है वो है माइक्रोफोन। इट इज़ अ डिवाइस दैट अलाउ कंप्यूटर यूज़र टू इनपुट ऑडियो इनटू द कंप्यूटर। ऑडियो से रिलेटेड कोई भी काम करना हो तो हमें कौन सी डिवाइस यूज़ करनी होती है? माइक्रोफोन। इट चेंजेस ऑडियो सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स व्हिच आर ट्रांसलेटेड इनटू डिजिटल फॉर्म बाय द साउंड कार्ड फॉर प्रोसेसिंग इन द कंप्यूटर। अ माइक्रोफोन इज शोन इन फिगर लाइक दिस। माइक्रोफोन एक डिवाइस होती है जो ऑडियो के सिग्नल्स को पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ट्रांसफ़र करती है, चेंज करती है, फिर वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं। और ये जो डिवाइस है ये देखें इस टाइप की होती है। स्कैनर। इट इज़ अ डिवाइस दैट कैप्चर इमेजेस फ्रॉम फोटोग्राफ्स, मैगजीन, बुक्स एंड स्टोर देम इनटू कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्म। दीज इमेजेस कैन बी एडेड डिस्प्ले ऑन स्क्रीन एंड इंसर्टेड इन डॉक्यूमेंट्स। मैनी स्कैनर ऑल्सो इंक्लूड ऑप्टिकल करेक्टर रिकोगशन OCR सॉफ्टवेयर विच कैन कन्वर्ट एन इमेज ऑफ टेक्स्ट इंटू अ टेक्स्ट फाइल दैट कैन बी एडिट। स्कैनर इज शोन दिस फिगर।
स्कैनर क्या होता है? एक डिवाइस होती है जो कि कहीं से भी इमेज के फॉर्म में जो भी डाटा होगा उसको स्कैन कर लेगी और फिर उसे कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर लेगी। इससे क्या होता है कि वो जो हमने स्कैन करके डाटा अपने पास सेव रखा होता है कंप्यूटर में, उसको हम एडिट भी कर सकते हैं फर्दर एंड उसे आगे किसी भी और डॉक्यूमेंट में यूज़ भी कर सकते हैं। और स्कैनर किस टाइप का होता है ये आप देखिए फिगर में दिखाया भी गया है। नेक्स्ट है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। इट इज़ अ डिवाइस दैट रीड द बारकोड प्रिंटेड ऑन प्रोडक्ट्स दैट रिप्रेजेंट्स प्रोडक्ट कोड डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस। दिस इंफॉर्मेशन इज यूज बाई द कंप्यूटर टू प्रिंट बिल्स फॉर द कस्टमर। अ बारकोड रीडर इज शोन लाइक फिगर इन दिस। कहते हैं बारकोड क्या होता है? बारकोड रीडर एक डिवाइस होती है जो कि प्रोडक्ट के बैक साइड पे जो उसका कोड दिया गया होता है उसको रीड करके उसकी डिस्क्रिप्शन और उसकी प्राइस के मुताबिक हर चीज़ जो होती है वो बता देती है और उसका जो बिल होता है उसकी कस्टमर के लिए बिल भी प्रिंट कर देती है। नेक्स्ट है डिजिटल कैमरा। इट इज़ अ डिवाइस यूज टू कैप्चर पिक्चर एंड स्टोर दैम इन अ डिजिटल फॉर्म। दिस पिक्चर कैन बी डाउनलोडेड टू कंप्यूटर फॉर एडिटिंग व्यूइंग एंड इंसर्टिंग इन डॉक्यूमेंट्स। अ डिजिटल कैमरा इज शोन लाइक इन फिगर। डिजिटल कैमरा क्या होता है? जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी किसी भी सीन की जो है इमेज, कोई भी वीडियो है कैप्चर करते हैं और उसको कंप्यूटर में सेव करके देन अगर हमें उसे उसकी एडिटिंग करनी है, एडिटिंग करके उसे किसी भी डॉक्यूमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं। और ये आप देखिए फिगर में भी आपको दिखाया गया है कि ये किस टाइप का होता है। टच स्क्रीन। इट इज़ अ प्रेशर सेंसिटिव डिस्प्ले स्क्रीन दैट इज़ यूज टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर बाई टचिंग पिक्चर और वर्ड विद फिंगर। टच स्क्रीन इज मोर कॉमनली यूज विद मोबाइल फोन एंड टैबलेट। टच स्क्रीन इज शोन फिगर। टच स्क्रीन क्या होता है? टच स्क्रीन होती है कि जो कि सेंसिटिव प्रेशर को फील करती है देन उसकी मूवमेंट जो स्क्रीन पे होती है वो नज़र आती है। जैसे आपने मोबाइल में देखा होगा कि जैसे ही हम स्क्रीन को टच करते हैं तो जो भी हम काम करना चाहते हैं उसको बाय टच जो है, पहले तो जो मोबाइल होते थे या जो भी फ़ोन होते थे उनको हम उन पे छोटे छोटे बटन होते थे और आजकल इतनी डेवलपमेंट हो गई है कि जस्ट हमें टच करना होता है और वो जो हम कोई भी टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं वो हमारे सामने होता है। लास्ट है टच पैड। अ टच पैड इज़ एन इनपुट डिवाइस ऑन लैपटॉप एंड सम कीबोर्ड टू मूव अ कर्सर विद फिंगर। पहले हमने माउस को डिस्कस किया था कि जो कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज़ होता है माउस। क्या होता है कि पॉइंट कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टच पैड। ठीक है, सेम ये भी वही माउस की तरह ही काम करता है। जस्ट माउस जो होता है वो हाथ में पकड़ा जाता है और ये लैपटॉप के अंदर ही एक पोर्शन होता है जिससे